हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लोगों के लिए डॉन क्विक्सोटे, जो कि कारवेंटिस का लिखा हुआ एक बहुत ही फेमस वर्क है, उसकी समरी लेके आया हूँ। डॉन क्विक्सोटे, जिनका असली नाम अलोंसो क्विक्सानो हैं, ये इस नॉवल के प्रोटागोनिस्ट हैं और ये एक हिडालिगो हैं। हिडालिगो का मतलब कि वो एक स्पेनिश नोबल्टी के मेंबर तो हैं, लेकिन वो स्पेनिश नोबल्टी थोड़ी सी लोअर क्लास है और इनकी एज लगभग 50 साल है और ये ला मांचा में रहते हैं अपनी नीस और हाउसकीपर के साथ, जिसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता है। जो क्विक्सोटे हैं, वैसे तो एक रेशनलिस्ट व्यक्ति हैं, लेकिन रेशनिस्ट व्यक्ति जरूर हैं, लेकिन क्या है कि उनके साथ में वो क्या है, वो साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ टाइम पे चलते हैं और क्या करते हैं कि ज़्यादा प्रॉपरली स्लीपिंग नहीं लेते हैं, जिसके वो सारा दिन पढ़ते रहते हैं, जिससे उनका दिमाग क्या है, वो ब्रेन उनका ख़राब हो जाता है, उनका टेम्परमेंट थोड़ा कोलेरिक हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके कारण वो क्या, उनको गुस्सा आ जाता है और वो ये सोचते हैं कि जो किताब उन्होंने पढ़ी है ना, जो फिक्शनल किताबें उन्होंने चिवलरी बहादुरी की, नाइट्स वगैरह की पढ़ी हैं, वो सारी की सारी सच्ची हैं। वो सोचते हैं कि मुझे इन इन, इन किताबों के हीरो की नकल करनी चाहिए, तो इसलिए वो क्या सोचते हैं कि चलो मैं एक नाइट के लिए नाइट बनना स्टार्ट करता हूँ, नाइट के लिए मुझे कोई एडवेंचर करना होगा, तो वो एक पुराना आर्मर का सूट बनाते हैं और अपना नाम डॉन क्विक्सोटे रख लेते हैं। और अब उनका जो एक पुराना सा घोड़ा होता है, जिसका नाम होता है रोसिनेट, और उसको उसका नाम रोसिनेट रख देते हैं। और अपने उनके पड़ोस में एक लड़की रहती है गांव खेत पे, जिसका नाम होता है एल्डोंजा लोरेंजो, उसका नाम वो डुक्लिनिया डेल टोबासो रख देते हैं। ये नाम इसलिए रख देते हैं कि नाइट्स के नाम ऐसे ही होते हैं, तो वो अपने नाम, अपने आप को नाइट बनाने के लिए वो ऐसे नाम रखने शुरू कर देते हैं। लड़की को कुछ नहीं पता है, फेमस होने के लिए वो क्या करते हैं, वो एक इन पे जाते हैं। अब इनके दिमाग में वो इन जो है, इनके दिमाग में वो तो इन यही रहती है कि साहब वो एक कैसल है, एक किला है, तो वहाँ पे वो कुछ प्रोस्टिट्यूट्स मिलती हैं उनको, जिन्हें वो क्या समझते हैं, वो लेडीज समझते हैं, डोनसेल समझते हैं, और वो इन कीपर को वो शायद वो कहते हैं कि ये कैसल के मालिक हैं, तो उन्हें कहते हैं कि सर मैं एक नाइट हूँ, वहाँ पे सारी रात वो अपना आर्मर लेके बैठे रहते हैं। और वहाँ पे क्या होते हैं कि वो क्या करते हैं कि अपना ना वो वहाँ पे, और वो म्यूलिटर्स ये जो म्यूल्स होते हैं आपके खच्चरों वाले, खच्चर काम करने वाले लोग होते हैं, तो बार में तो इनमें तो वही आएंगे, बड़े लोग तो आएंगे नहीं, वो खच्चर वालों से लड़ाई कर लेते हैं, क्योंकि क्यों कोशिश करते हैं कि वो अपना घोड़े से, उसके घोड़े से अपना आर्मर हटाना चाहते हैं ताकि अपने घोड़ों को पानी पिला सकें। इस सेरेमनी में क्या होता है कि अब वो इन कीपर उसे एक नाइट मान लेता है ताकि उसे पीछा छुड़ा सके और उसे अपने रास्ते भेज सके, चला जाता है। अब डॉन क्विक्सोटे जो होते हैं, वो एक लड़का जिसका नाम है एंड्रेस, उसे सबसे पहला काम तो वो इनमें गए, नंबर वन तो वो इनमें जाते हैं। सेकंड नंबर क्या काम करते हैं कि वो एक लड़का जिसका नाम है एंड्रेस, उसे फ्री करवाते हैं। वो एक पेड़ से बंधा होता है, उसके मालिक उसे मार रहे होते हैं, तो वो उसको फ्री करवा देते हैं और उसके मालिक को कसम खिलाते हैं भी आगे से बच्चे को तो सही तरीके से फेर करेगा, पर बच्चे की जैसे वहाँ से क्विक्सोटे जाते हैं वैसे वो बच्चे को फिर पीटते हैं। उसके बाद में वो उन्हें टोलेडो से आए हुए कुछ व्यापारी मिलते हैं, जो वो क्योंकि उनसे बात करते हैं डुक्लिना की, तो वो उस डुक्लिना की बेइज्जती करते हैं। डॉन उस पर अटैक करते हैं, पर वो डॉन को बुरी तरह से मारकर सड़क के किनारे फेंक देते हैं। कोई पड़ोसी बेचारा भले मानस पड़ोसी उनको उनके घर पहुंचाता है। इस तरह उनके तीन वर्क पूरे होते हैं। अब डॉन साहब अपने घर पे अपने बेड में बेहोश है, तो उनकी जो उनकी भांजी है और जो हाउसकीपर है और वहाँ का जो पैरिश का क्यूरेट है और लोकल बार-बार, ये सारे बेचारे अच्छे लोग हैं, ये उनकी सारी किताबें जला देते हैं। अब उसमें ये बताता है कि इसमें
इस सेक्शन में क्या करते हैं, प्रीस्ट ये बताते हैं कि कौन सी किताब को जलाना है, कौन सी किताब को रखना है। बड़ा ही कॉमेडी का जबरदस्त सीन है, क्योंकि जो अगर जो बुक्स मॉरलिटी के लिए बुरी हैं तो प्रीस्ट को कैसे पता कि वो कौन सी ये बुक अच्छी है और कौन सी बुक बुरी, क्योंकि प्रीस्ट सारे के सारे मजाकिया सीन बताते हैं और वो बहुत सारी बुक्स पे कमेंट लगाता है, क्योंकि वो बुक्स वो होती है जिन्हें कारवेंटिस जो कि ऑथर है वो जिनको पसंद करता है उन बुक्स को अच्छा बताता है, जिनको पसंद नहीं करता उन बुक्स को जलवा देता है। जैसे कारवेंटी का नॉवल है ला गलाशिया, वो तो बच जाता है, जबकि बाकी अनबिलीवेबल रोमांस जैसे कि फ्लैक्स मैट्रेडी हिरिकना ये जला दिया जाता है। जब ये बुक सारी जल जाती हैं तो वो रूम को सील ही कर देते हैं, इस जिसके अंदर लाइब्रेरी उस रूम को सील कर देते हैं और उसको डॉन क्विक्सोटे को बताते हैं कि साहब ये तो एक विजर्ड का काम है। थोड़ी देर बाद उसकी जब हालत ठीक हो जाती है तो डॉन वापस अपने पड़ोसी जिसका नाम है सांचो पांचा उसको रिक्वेस्ट करते हैं भी चल तू मेरा स्क्वेयर बन जा, और कहते भी जब मेरे पास जमीन होगी तो मैं तेरे को गवर्नरशिप दे दूंगा। सांचो एक गरीब और सिंपल किसान है पर उसको ज़्यादा प्रैक्टिकल है, जबकि आपको पता है कि डॉन जो है उसके तो दिमाग सातवें आसमान पर है, वो ऑफर को मान लेता है और वो सुबह सुबह एक दिन चल पड़ते हैं। यहाँ से उनका एक फेमस एडवेंचर स्टार्ट होता है जिसमें कि डॉन साहब विंड मिल पे अटैक करते हैं। विंड मिल के अटैक करते हैं तो वो ये सोचते हैं कि विंड मिल बहुत ही फेरोशियस जियांट्स हैं। इसके बाद एक और एनकाउंटर होता है जिसमें वो एक लेडीज एक कोई कैरेज में जा रही होती है तो वो ये सोचते हैं कि वो फेरियर्स के साथ जा रही होती है, वो सोचते हैं एनचेंटर है जो कि जिन्होंने लेडीज को अपना कैप्टिव गुलाम बना लिया है, तो वो उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। इनके साथ में एक आरब बास्क्यू जा रहा होता है कि उसके पास कोई शील्ड नहीं होती है, तो देखिए कितना मजाक यूज करते हैं कारवेंटीज की, वो एक पिल्लो यूज करते हैं कि पिल्लो से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। कारवेंटीज ने इस पॉइंट पे आकर ये कह देते हैं कि बिल्कुल लड़ाई चल रही मिडल में कह देते हैं कि भैया आप जहाँ से मैं स्टोरी लेके आया था ना वो सोर्स खत्म हो गया। इसके बाद में वो डॉन क्विक्सोटे के एडवेंचर्स को लेके चलते हैं कि उन्हें कुछ अरब की नोटबुक्स मिल गई हैं जिनमें बाकी की स्टोरी सिड हैमल्ट बेन एंगली ने बताई है। कॉम्बैट में लेडी अपनी कैरेज को छोड़ देती है और वो जो जो उनके साथ यात्रा कर रहे होते हैं उन्हें कहती है कि तुम डॉन क्विक्सोटे को सरेंडर कर दो। इसके बाद में सर डॉन और सांचो पांचा जो है अब कुछ गोट हेडर्स के ग्रुप में आ जाते हैं। डॉन सांचो पांचा को गोट हेडर्स को बताते कि ये गोल्डन एज थी जिस एज में प्रॉपर्टी नहीं होती थी और लोग शांति में रहते थे, तो गोट हेडर्स जो है वो सांचो पांचा को एक पर्सन जिसका नाम है ग्रेट सोमो उसके फ्यूनरल में एक स्टूडेंट था जिसने अपनी स्टडी को जो स्टडीज छोड़ के शेफर्ड बन गया था क्योंकि उसने बहुत सारे पेस्टोरल नॉवल्स पढ़ लिए थे। जैसे डॉन जो है वो एक नाइट बन गया था पढ़ पढ़ के, वैसे ही स्टूडेंट जो था उसने पेस्टोरल नॉवल पढ़ पढ़ कर शेफर्ड बन गया था, और वो कहता भी डॉन जो स्टूडेंट था ये शेफर्ड बन गया और एक शेफर्ड मर्किला को ढूंढा करता था। फ्यूनरल पे मर्सिलिया आ जाती है और वो कहती है कि मेरे को ये इस बंदे ने ना मेरे बारे में बड़ी बेकार बेकार कविताएं लिखी हैं और कहती है कि मैं तो एक आजाद हूं और मुझे आप ना ये पेस्टोरल मत मानो। वो जंगल में गायब हो जाती है और उसके पीछे पीछे डॉन और सांचो पांचो उसके पीछे पीछे चला जाते हैं। थक हार कर दोनों एक पौंड पे रेस्ट करने लग जाते हैं। वहां पे कुछ ग्लेशियन आते हैं जिनके साथ उनकी पोनी छोटी घोड़ियां होती हैं और असिनिट जो कि डॉन का घोड़ा है वो उनके साथ मेटिंग की कोशिश करता है, तो ग्लेशियन जो होते हैं वो उसको क्लब से डंडे से मार मार के पीछे करते हैं जिससे डॉन जो है वो रोसिनेट को बचाने की कोशिश करता है, तो ग्लेशियन डॉन और सांचो पांचो की अच्छी तरह से पिटाई करते हैं, कुछ ऐसे हाल कर देते हैं इस बाबे का। अब इनसे बचने के बाद डॉन और सांचो पांचो वापिस एक इन में जाते हैं। अब वहां जाते डॉन को वापिस लगता है कि साहब ये तो एक इन नहीं ये कैसल है। सांचो तो इस बात को नहीं मानता। डॉन फिर उसमें क्या करते हैं, डॉन को एक बेड दिया जाता है और सांचो वहां नीचे कंबल वगैरह पे सो जाता है।
और उनके साथ में जो उनकी लॉफ्ट होती है उसके साथ में कि म्यूलेटर जो ये खच्चर वाले होते हैं, जब रात आती है तो डोन क्विक्सोटे को लगता है कि जो यहाँ पे नौकरानी है वो एक बड़ी शानदार प्रिंसेस है, और वो उसे कहता है कि आप मैडम आप मेरे साथ बेड पे बैठ जाओ, जिससे वो लड़की डर जाती है। अब ये देखकर जो म्यूलेटर होता है वो सांचो डोन पे अटैक कर देता है, ब्रेक उस कमजोर से बेड को तोड़ देता है और बड़ी भयंकर लड़ाई होती है जिसमें डॉन और सांचो को बुरी तरह पीटा जाता है। डॉन ये कहता है कि साहब ये जो हम तो एक ना एक एंचेंटेड मूर से लड़ पड़े, मूर मतलब हबशी निग्रो से लड़ पड़े हैं, वो ये भी मानता है कि मेरे पास एक दवाई है जिसका नाम है द बाम ऑफ फायर ब्रास। ये द बाम ऑफ फायर ब्रास है जो जिसे इस दवाई से ना हम ठीक हो जाएंगे लेकिन इससे और ज्यादा बीमार हो जाते हैं। अब वो सोचते कि चलो हम इनको छोड़ दें पर क्विक्सोटे पुराने जमाने में जो फिक्शनल नाइट होते थे ना वो कोई पैसा वैसा नहीं देते थे। सांचो वहां रुक जाता है और उसको क्या अच्छी तरह से ब्लैंकेट में कम बंद करके अच्छी तरह से हवा में उछाला जाता है। बहुत सारे गेस्ट होते हैं जो मजाकिया होते हैं वो खूब तंग करते हैं, और ये चीज जो है आपको पता है बार बार नोवेल में आएगी। जब वो छूट जाता है तो फिर वो डॉन और क्विक्सोटे अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। डॉन तो बच जाते हैं, डॉन क्विक्सोटे सांचो पांचो की अच्छी सी सेवा होती है। जब डॉन क्विक्सोटे इसके बाद में डॉन क्विक्सोटे एडवेंचर लेते हैं जिनमें एक डेड बॉडी का एडवेंचर शामिल है, उनके पास एक हेलमेट है और वो कुछ खुश गुलामों को आजाद कराते हैं। फिर वो सीरा मेरोना में घूमते हुए वहां उन्हें डिजेक्टेड कार्डियानो मिलते हैं। कार्डियानो उनको पार्ट की अपनी पहली स्टोरी बताता है जिसमें वो कहता है कि मेरे को लुसिंडा नाम की मेरी बचपन की फ्रेंड से प्यार था और मुझे क्या हुआ, मुझे ड्यूक के सन के साथ जाना पड़ा जिससे कि मेरी दोस्त क्योंकि मेरी दोस्ती किससे होगी, ड्यूक के छोटे बेटे से होगी जिसका नाम है डॉन फर्नांडो। कार्डियानो ने उसको बताया कि मेरा तो प्यार लुसिंड्रा है और मेरी एंगेजमेंट डिले होती जा रही है जिससे कि क्या हुआ। कार्डियानो कहता है कि मैं तो परंपरा के हिसाब से शादी करना चाहता था। जब उसने उसको लुसिंड्रा की पोइम्स पढ़ाई तो डॉन फर्नांडो को भी लुसिंड्रा से प्यार हो गया। तब कार्डियानो कहता है कि यार जो मेरी प्रेमिका है वो अनफेथफुल है क्योंकि चिवलेरिक नॉवेल्स में ना बहुत सारी स्टोरी ऐसे तो बनाई होती हैं। वो दोनों एक फाइट करते हैं जिसमें कार्डिनियो जो है उन सबको बुरी तरह से पीटता है और फिर वो जंगलों में सॉरी पहाड़ों पर चला जाता है। यानी कि हर जगह पे वो जो नाइट्स हैं फिक्शनल नाइट्स हैं उनकी पिटाई होती है। क्विक्सोटे जो है वो अभी भी वो अपनी प्रेमिका डुकलिनिया के पीछे पड़ा है कार्ड। अब क्विक्सोटे क्या करता है, सांचो को एक लेटर लेके डुकलिना के पास भेजता है, पर सांचो को एक बार्बर मिल जाता है और प्रीस्ट मिल जाता है और वो उन दोनों को क्विक्सोटे के पास ले आते हैं। प्रीस्ट और बार्बर सोचते हैं कि अब हम इसे कैसे घर लेके जाएं। वो डोरिटिया एक औरत जो है उसकी हेल्प लेते हैं जिसे कि डॉन फर्नांडो ने धोखा दिया था। वो ये कोशिश करती कि वो ये ऐसा प्रिटेंड करती कि मैं प्रिंसेस मिकोमिनिका हूं और वो मुझे डॉन क्विक्सोटे की हेल्प चाहिए। क्विक्सोटे एंड्रीज की तरफ भागता है जो कि उसकी इनकम्पिटेंस की बहुत बेइज्जती करता है। अब ग्रुप पूरा वापस उसी इन में जाता है जहां पे प्रीस्ट जो है उन्हें एंसेल्मो की स्टोरी बताता है जबकि क्विक्सोटे विंसकिन से लड़ता है। डोरेटा वापस डॉन फर्नांडो से मिल जाती है और कार्डिनियो और लुसिना से मिल जाता है। मूरिश लैंड का एक गुलाम आकर आता है और वो बताता है कि वो अपनी स्टोरी बताता है। एक जज भी आ जाता है और पता चलता है कि कैप्टिव उसका बहुत ही पुराना बिछड़ा हुआ भाई और दोनों जने फिर वहां भी एक हो जाते हैं। इस तरह से हमारी ये चैप्टर एंड होते हैं और इसके बाद में एंडिंग में सांता हरमेंडेड का एक ऑफिसर आता है जिसके पास डॉन क्विक्सोटे की का एक वारंट है क्योंकि उसने गैली स्लेव को आजाद कर दिया। तो प्रीस्ट कहता है कि भी इस क्विक्सोटे को तो पागल है, इसकी पागलपन पे दया करो। तो क्विक्सोटे को एक पिंजरे में बंद कर देते, तो सोचना पड़ा वो ये सोचता है कि ये तो एक एंचेंटमेंट एक जादू है
और ये एक प्रोफेसी भविष्यवाणी कि अब मुझे अपने घर जाना चाहिए। यात्रा करते समय ग्रुप कहीं खाने के लिए रुकता है और क्विसेटो को पिंजरे से आजाद कर देता है। वो वहां पे एक गोट हेरड से फिर लड़ाई करता है और पिलग्रिम वालों से लड़ाई करता है जो उसे खूब बुरी तरह मारते हैं और उसे घर ले आते हैं। नरेटर कहता है कि सर अब मुझे फर्दर आगे के जो एडवेंचर है उनकी भी मैन्युस्क्रिप्ट मिल गई है। तो अब ये जो है पार्ट सेकंड स्टार्ट होता है द थर्ड सैली। जैसे ही पार्ट सेकंड स्टार्ट होता है तो वो ये मान लिया जाता है कि जितने भी लिटरेट लोग हैं स्पेन के उन सब ने पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया है। कारवेंटे का मेटाफिक्शनल डिवाइस ऐसा ही था कि सारे सबको पार्ट फर्स्ट का पता चल गया है। जब स्ट्रेंजर जो है उन्हें वो दोनों पर्सन मिलते तो उन्हें पहले ही सारी हिस्ट्री का पता होता है। ड्यूक और डचेस और बाकी लोग सोचते हैं कि चलो डॉन क्विक्सोटो को मजे के लिए फिर धोखा दिया जाए। तो वो क्या करते हैं कुछ इमेजिंड एडवेंचर कर देते हैं जिसके बाद अंदर कुछ प्रैक्टिकल जोक होते हैं। कुछ लोग डॉन क्विक्सोटो के जो सेंस ऑफ चिवलरी बहादुरी का जो सेंस है और उसका डिवोशन डुकलिना के लिए उस पर बहुत टेस्ट करते हैं। डुकलिना को ढूंढते ढूंढते सांचो पांचा जो है तीन भिखारी ही गांव की और लड़कियां ले आता है। उन्हें कहता है कि ये डुकलिना है और उसकी डुकलिना और उसकी लेडी इन वेटिंग है, मतलब नौकरानी है। जब डॉन केवल ग्रामीण लड़कियों को देखता है तो सांचो प्रिटेंड करता है कि उनका जो जो डरलेक्ट जो ये इनका गरीबों वाला अपीयरेंस है वो एक इंचेंटमेंट जादू के कारण है। सांचो फिर उनकी जो कॉम्पेंस है उनको भी ले आता है जैसे कि क्योंकि ये भी डच और डचेस का प्रैंक होता है। तो वो दोनों ये विश्वास दिलाते हैं क्योंकि डुकलिना को तभी आजाद किया जा सकता है कि अगर सांचो अपने आप को 3,300 कोड़े मारे। सांचो तो इसको मना कर देता है। तो ड्यूक की पैट्रोनेज में सांचो को एक गवर्नरशिप मिल जाती है, हालांकि झूठी गवर्नरशिप मिल जाती है और वो एक बड़ा ही वाइज और प्रैक्टिकल रूलर साबित होता है। पर इसके एंड में भी बहुत बेइज्जती होती है। अंत में डॉन क्विक्सोटो धीरे धीरे ठीक हो जाता है और लास्ट में अनटोल्ड हिस्ट्री जो है उसमें कब आ जाती है कि जब वो एक पर्सन है जिसका नाम है नाइट ऑफ व्हाइट मून, एक डॉन क्विक्सोटो के घर गांव का एक बंदा है जिसे कि पहले नाइट ऑफ मिरर्स कहा जाता था। जब वो बार्सिलोना में बीच पर मिलते हैं तो जब रीडर क्या देखते हैं कि वो लड़ाई में जीत जाता है। तो शिवलरी के रूल होते हैं, डॉन क्विक्सोटो जो है वो पहले ही मान लेता है कि अब मैं हार गया हूं और मुझे विजेता की सारी इच्छा माननी पड़ेगी। तब डॉन क्विक्सोटो जो अपने हथियार छोड़ देता है और कहता है कि मैं अब एक साल के लिए अपने जो सारे जो मेरे शिवलरी वाले काम है उनको रोक दूंगा ताकि उसकी बीमारी पागलपन ठीक हो जाए। वो और सांचो पांचो एक और प्रैंक जो ये प्रैंक है उसके अंडर आ जाते हैं। गांव में लौटते हुए डॉन क्विक्सोटो ये अनाउंस करता है कि मैं अब गांव में जाकर एज ए शेफर्ड बनूंगा। पर उसका हाउसकीपर कहता है कि नहीं भैया आप घर पर रहो। कुछ टाइम बाद वो अपने बेड पर चला जाता है, बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है। बाद में जब वो ठीक होता है तो वो कहता है कि मेरा पागलपन ठीक हो गया। सांचो उसे कहता है कि नहीं नहीं तू विश्वास कर। पर क्विक्सोटो जो कि उसका सही नाम है वो कहता है कि मेरी जो पहले वाली इच्छाएं थी, कहता है मैंने इस संसार को जो परेशानियां की उसके लिए माफी मांगता हूँ। अपनी विल डालता है जिसमें वो कह देता है कि मेरी भांजी के सारे पैसे चले जाएंगे अगर वो उसने किसी ऐसे बंदे से शादी की ना जो बंदा शिवलरी की बुक्स पढ़ता है। फिर अलांसो क्विक्सोटो जो मर जाता है तो ऑथर हमें कहता है कि इसके बाद कोई और एडवेंचर नहीं है और कोई फर्दर बुक भी आएगी तो वो झूठी होगी। इस तरह से ये एंड होता है। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।